मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीजन बने, मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में गुलबर्गा शहर के डेवलपमेंट इश्यूज पर बात की जो खड़गे के एमपी इलेक्शन हारने के बाद से पेंडिंग पड़े हुए हैं। राज्यसभा में आज मल्लिकार्जुन खड़गे देश भर के मुख्तलिफ इश्यूज पर बात करते हुए जब खड़गे ने कहा पीएम मोदी देश के हर कोने में घूमते हैं पर आज तक मणिपुर को विजिट नहीं किए। खड़गे के इस सवाल पर राज्यसभा स्पीकर ने कहा इससे पहले आपको शिकायत थी कि मोदी बार बार आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी गुलबर्गा क्यों आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर के इस सवाल पर कहा मोदी के गुलबर्गा आने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, बार बार गुलबर्गा आने के अलावा अगर गुलबर्गा के डेवलपमेंट पर ध्यान देते तो अच्छी बात होती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा गुलबर्गा में एक डिवीजन बनना जरूरी है और खड़गे के जरिए बनाए गए फैक्ट्री को स्टार्ट करवाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करना है और ESI जैसे बड़े हॉस्पिटल को बेहतर तरीके से शुरू करना है। खड़गे ने राज्यसभा स्पीकर से कहा इन तमाम डेवलपमेंट वर्क पर ध्यान देने के बजाय मोदी सिर्फ गुलबर्गा को प्रचार के लिए आते हैं, इस बात से प्रॉब्लम है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारी हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। सर वो देश के कोने कोने में जाते हैं लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? सर पहले आपको शिकायत थी कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों गए? नहीं बोल आपने यहाँ पर कहा था मैं नहीं बोला माननीय खड़गे जी आपने इस सदन में कहा था नहीं, नहीं। कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों जाते हैं? नहीं 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 साहब वो आने दो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ काम करके दिखा के कुछ तो करते नहीं। लेकिन खैर डेमोक्रेसी में हार जीत तो अलग है लेकिन आते हैं तो इवेंट बना के चले जाते। मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीजन बने, मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे, मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे। और कहाँ हमारे यादव साहब कहाँ है हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है तो वो उनके कंट्रोल में है, क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे। मेरी मुश्किल ये है कि आप सरकार के ऊपर सरकार को क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते? रिक्वेस्ट नहीं भाई दबाव डाले तो भी नहीं कर रहे और आते जाते मैं समझता हूँ 50 सलाम तो हो गए होंगे मेरे यादव से। 50 सलाम? हाँ 50 मेरे बाजू में है ना फिर तो ये ऐसा और अच्छी बिल्डिंग है उन्होंने खुद देखे हैं देखकर। खैर जाने दो हमारी किस्मत अच्छी नहीं मेरे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं, वहाँ के लोग पहले ही बैकवर्ड है और भी उनको दूर रखे हैं तो ये